बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिस नोट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिस नोट इनकी क्या अकाउंटिंग होगी सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास वन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है प्रोमिसी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज हाँ जी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिस नोट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक ही एंट्री होती है दोनों की पर मीनिंग क्या है ये जान लेना जरूरी बिल ऑफ एक्सचेंज में देखना राम राम ने गुड्स बेचा कमल को कमल कौन है बायर कस्टमर ये कौन है सेलर इसने गुड्स बेचा गुड्स फॉर रूपीज वन लैख यानी ये कौन है कमल कौन बन गया डेटर किसका राम का राम कौन हो गया समझो क्रेडिटर ये कौन हो गया डेटर जिसने पैसा देना है वो डेटर कमल और जिसने पैसा लेना है वो क्रेडिटर कौन है राम कमल ने माल खरीदा एक तो चीज होती है कमल कहता है ओके दे दूंगा पैसे दैट इज डेटर एक होता है कि राम इंश्योर होना चाहता है कि किस डेट को दे देगा ऐसे दे दूंगा का क्या है ये तो क्या ही देता कोई तो आप इसको क्या दे देते है बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल एक्सेप्टेड जिसमें रिटर्न में वादा है कि इस डेट को दे दूंगा तो राम को ये चिट आ गई है तो ये क्या है इस बात की श्योरिटी के इस डेट को क्या आ जाएगा पैसा आ जाएगा यही बात है ना तो यहां पे देखो क्या बिल का प्रोसीजर क्या है राम लिखता है किस पे राम इज द डॉर ऑफ बिल डॉर ऑफ बिल और यहां पे कमल कौन है एक्सेप्टर एक्सेप्टर ऑफ बिल क्या मैं दे दूंगा पैसे तो यहां पे लिखता कौन है चिट वो क्रेडिटर लिखता है जिसने पैसे लेने है. देखो इसकी वर्डिंग क्या होती है बिल की आए कौन कमल रेजिडेंट ऑफ सिरसा प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिस टू पे टू पे राम रुपीज वन लैख थ्री मंथ्स आफ्टर डेट वो कह रहा है किसकी तरफ से लिख रहा है कौन हु इज राइटर ऑफ द बिल क्राइटर नो नो क्राइटर राम राम किसकी तरफ से लिख रहा है कमल यानी मैंने माल बेचा हरदीप को तो हरदीप लिख के वादा नहीं कर रहा बिल में मैं लिख रहा हूं किसकी तरफ से हरदीप मैंने कहा हरदीप तेरे को टेंशन लेने की क्या जरूरत है जो लिखना है, मैं लिख लूंगा तू बस साइन कर मैंने खुद लिखा आए हरदीप रेसिडेंट ऑफ सिरसा या कोई एड्रेस और डाल लो प्रॉमिस टू पे टू सुमित रुबी वन आफ्टर थ्री मंथ ये चिट किसने तैयार की क्रेडिटर ने इस चिट पे साइन किसके होंगे क्रेडिटर सुमित के यार इधर क्वेश्चन में किसके राम के राम के साइन होंगे इस पे बिल लिखने की डेट भी है मान लो बिल लिखा गया फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी फोर को इस पे टिकट भी लगे हुए हैं स्टैंप टिकट सरकार की फीस के स्टैंप तो लीगल पेपर बनेगा वरना ये लीगल पेपर नहीं कागज का टुकड़ा है जब तक इस पे रिक्विजिट अमाउंट के टिकट टिकट ना लगे डिपेंड करते हैं कितने रुपए का बिल है ये इसे बीस लाख का हो सकता है कोई पा, 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 पांच हजार रुपए का हो सकता है अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे सरकारी फीस की स्टैंप टिकट सरकार को जाएगा वो पैसा जैसे एफिडेविट बनाना है तो लीगल स्टैंप लगेंगे वैसे और ये किसके पास भेज दिया चिट लिखी राम ने ये वाली पेपर पेपर इतना का पेपर ही होता है जैसे चेक की स्लिप नहीं होती वन फोर्थ पेपर बस इतना का पेपर होता ही जैसे इसका भी इतना का बस लगभग हाफ पेपर हाफ पेज लगा लो बस वैसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है ऐसा पर लगभग चेक जैसा पेपर होता है जिसपे सामने वाले ड्रोन ने किसकी तरफ से लिखा है वर्डिंग डेटर की तरफ से जिसने पैसा देना है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं क्राइटर राम को पैसे दे दूंगा तीन महीने बाद एक लाख और इस चिट को लिखने के बाद किसने साइन साइन राम राम ने भी है। क्योंकि सामने वाला नहीं मारेगा वो कहेगा जिसने पैसे लेने हैं क्या पता उसने लिखी भी एक चिट के नहीं लिखी राम के साइन क्या लगे होंगे टिकट अब यहां साइन कौन मार देगा यहां पर साइन मार देगा कमल ये कमल के साइन हो गए ये चिट और ये चिट भेजी किसने थी राम ने लिख के अपने स्टाफ के हाथ भेज दी कि जा कमल से साइन करा ले कमल ने साइन करके वो चिट किसके हाथों में पकड़ा दी राम के बंदे के हाथ और वो बंदा लाके दे देता है चिट राम को राम के पास ये साइन हुई कमल की चिट क्या है बिल सेट बी आर और कमल के लिए क्या ये बीपी एक लाइब्रेट समझ गए तो हुई दौर? क्राइटर हुईज ड्रॉइ ड्रॉई कौन है यहां ड्रॉ रै क्राइटर जिसने पैसे लेने हैं जो कि कौन है राम ड्रोई कह लो या एक्सेप्टर जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है वो डेटर कौन है वो यहां पे क्वेश्चन में कमल समझ गए पैसे आ जाएंगे अब देखो ड्यू डेट तक ये चिट कौन संभालेगा अपने पास राम ड्यू डेट तीन महीने का बिल है ना ये थ्री मंथ्स आफ्टर डेट लिखा है महीने तीन महीने तीन कब होंगे जोड़ना फर्स्ट जनवरी 24 में थ्री मंथ्स जोड़ो क्या बनी ड्यू डेट एक अप्रैल 24 फोर तीन दिन ग्रेस के जोड़ लो थ्री डेज ग्रेस क्या हो गए फोर्थ अप्रैल 24 इसकी ड्यू डेट है ड्यू डेट है समझ गए तीन दिन क्या जोड़ने हैं ग्रेस यानी राम पैसे मांगने के लिए फोर्थ अप्रैल से पहले ना जाए क्योंकि मान लो फर्स्ट या सेकंड अप्रैल को चला गया सामने वाला कमल कहता भी दो दिन जो दे दूंगा अब जिद नहीं कर सकते क्योंकि लोग कहते हैं तीन दिन क्या देने चाहिए ग्रेस अगर बाय चांस फोर्थ को नॉन होलीडे आ गया फोर्थ अप्रैल को क्या है ये डेट को नॉन होलीडे जैसे कि संडे आ गया जैसे कि होली दिवाली को ऐसा मतलब कहने का नॉन होलीडे पता है सारी दुनिया को छुट्टी तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी ड्यू डेट फोर्थ अप्रैल नहीं क्या बन जाएगी थर्ड अप्रैल थर्ड अप्रैल को भी छुट्टी है तो सेकंड अप्रैल एक दिन पहले करना है और अगर एमरजेंसी होलीडे आ गया हां जी इमरजेंसी होलीडे समझ दो तो, कोई हमारे एक्स पीएम या एक्स प्रेसिडेंट तो उसमें छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है ना नेशनल कुछ ऐसे हो जाए डेथ वगैरह में तो अचानक से छुट्टी होगी या कर्फ्यू लग गया कोविड नाइनटीन जैसा कुछ हो गया तो एक दिन आगे फोर्थ अप्रैल की जगह क्या हो जाएगी फिफ्थ अप्रैल एक स्टूडेंट कहता है फिफ्थ को भी छुट्टी है तो सिक्स अप्रैल सेवेंथ कभी तो खुलेगा ही क्लियर कहने का मतलब इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन आगे और अगर नॉन हॉलीडे संडे फिफ्टीन अगस्त ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर क्रिसमस सेकेंड अक्टूबर गांधी जयंती नॉन हॉलीडे है तो एक दिन ड्यू डेट निकाल लोगे अब बताना ड्यू डेट मान लोट ट्वेंटी नाइन्थ या 30 जनवरी को बिल लिखा 30 जनवरी एक महीने का बिल है तो ड्यू डेट बनाओ क्या बनेगी ड्यू डेट एक महीना है तीस जनवरी से एक महीना क्या बननी चाहिए आइडिया लगाओ फर्स्ट मार्च ये कह रहे हैं फर्स्ट मार्च हां जी आप अपना अपना व्यू बताओ न्यू डेट फोर्थ मार्च ये कह रहे हैं? हाँ जी थर्ड मार्च क्योंकि तीस जनवरी में एक महीना जोड़ो तीस जनवरी में वन मंथ जोड़ोगे तो भैया फैबरी तो लास्ट डे ही महीना पूरा मानो क्योंकि उसमें क्या है ट्वेंटी की फेबरी है तो भाई ट्वेंटी एट की फेबरी होगी अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर चल रहा है तो ट्वेंटी नाइन्थ की मान लो ट्वेंटी या नाइन्थ फेबरी क्या होगी पूरा एक महीना पूरा हो गया तीन दिन ग्रेस के जोड़ोगे तो यह जाएगा थर्ड मार्च तक ठीक है थर्ड मार्च फोर्थ नहीं बनेगी कहीं दिन तो लिखे नहीं उसने क्या लिखा है मंथ तो मंथ पूरा कब होगा लास्ट डे ऑफ द मंथ अब 30 जून को एक महीने का बिल लिखे तो इकतीस जुलाई हो, होती है वहां तो ठीक है लेकिन इकतीस जुलाई को बिल लिखे तो सितंबर तो 30 की होती है ना तो महीना 30 को ही पूरा हो जाएगा तीन दिन ग्रेस तो तीन अक्टूबर ऐसे ड्यू डेट पहली बात ड्रॉर कौन है समझा जिसने पैसे लेने वो लिख रहा है बिल ड्रॉर जिसके ऊपर लिखना है वो कौन है ड्रॉई और पेई कौन है यहां पेई जिसको पैसा मिलना है यहां पेई कौन है जिसके पास बिल है टू होम अमाउंट इज पेबल जिसको पैसा मिलना है कौन है यहां राम ही तो है यानी यहां ड्रॉर और पेई क्या है सेम पर्सन है एक्सेप्टर कौन था ड्रॉर कमल क्लियर अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं देखना राम ने किससे पैसे लेने हैं कमल से कमल की तरफ से कौन लिख रहा है राम आए कमल रेजिडेंट ऑफ सिरसा प्रोमिस टू पे देखना चेंज कर रहा हूं प्रोमिस टू पे अर्जुन ऑन बिहाफ ऑफ राम थ्री आफ्टर डेट अच्छा अब वो कह रहा है कमल की एक्चुअल में क्या था राम ने पैसे किसको देने होंगे अर्जुन को और लेने किससे है कमल से तो वो चाहता है कि कमल की पेमेंट किसको मिल जाए अर्जुन को उसने एक बिल लिखा कि आई कमल रेजिडेंट ऑफ सिरसा प्रोमिस टू पे द अमाउंट टू अर्जुन ऑन बिहाफ ऑफ राम राम की तरफ से मैं किसको दे दूंगा अर्जुन को कब दे दूंगा थ्री मंथ्स आफ्टर डे ये ले जाओ ये, ये ले तो अर्जुन को दे दूंगा तो ये क्या है यहां पे अर्जुन कौन है अर्जुन कौन बन गया पेय अर्जुन पे डोर कौन था राम ड्रोई कौन था कमल और यहां पेई कौन बन गया बोलो बोलोग डाउट तो बिल लिखने वाला है डोर जिसने पैसे लेने जिसपे लिखा एक्सेप्टेड वो कौन है ड्रॉई और जिसको पेमेंट मिलेगी वो कौन पे अक्सर बिल में तीन लोग होते हैं अक्सर लेकिन जरूरी नहीं तीन हो कितने हो सकते हैं दो भी हो सकते हैं जरूरी नहीं होता राम ही पे हो समझ गए बोलो कोई डाउट अब ये बिल राम के पास साइन हो क्या गया राम ने किसके वाले कर दिया अर्जुन के यानी इसको क्या बोलते हैं एंडोर्समेंट एंडोर्स टू अर्जुन राम के पास बिल आया उसने किसको दे दिया अर्जुन को ले भाई अर्जुन ये बिल तू पेमेंट ले लेना ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? ड्यू डेट पे किसके पास पड़ाई बिल अर्जुन पैसे लेने कौन जाएगा अर्जुन जाएगा पैसा लेने सही है ड्यू डेट पे सामने वाले बंदे के पास पैसे लेना लेने कौन गया अर्जुन तीन महीने बाद यानी ये बिल लिखा गया था कब एक जनवरी चौबीस तीन महीने तीन दिन ग्रेस जोड़ो तो चार अप्रैल 2024 को अर्जुन जब पैसे लेने गया कमल के पास कमल ने गालियां देके भगा दिया कहता अगली बार आया तो पिटूंगा तेरे को अर्जुन चला गया अर्जुन क्या करे अर्जुन कोर्ट में जा सकता है बिल्कुल सुनो लास्ट लास्ट अर्जुन के क्या करे अर्जुन को पेमेंट नहीं मिली इंसल्ट और होगी सामने वाले कमल ने गाली गोली देकर भगा दिया अर्जुन क्या कोर्ट में जा सकता है यस क्योंकि भैया तेरे को ये बिल किसने दिया दो राम ने। राम ने ने किससे लेने थे पैसे कमल से लिखा राम ने कमल की तरफ से कि मैं कमल वादा करता हूं राम की तरफ से पेमेंट किसको दे दूंगा अर्जुन को वो बिल साइन करके एक्सेप्ट करके दे दिया किसने कमल ने राम के पास था राम ने किसके वल्ले कर दिया अर्जुन एंडोर्स कर दिया अर्जुन रखे बैठे बिल ड्यू डेट तक लेने जाएगा पैसे लेने गया पैसे नहीं मिले क्योंकि कमल ने नहीं दिए अर्जुन क्या डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है यस व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अर्जुन बाय लॉ अर्जुन अर्जुन क्या क्या कर सकता है अर्जुन जा सकता है कोर्ट में अगेंस्ट कमल कि सर ये पैसे नहीं दे रहा और अर्जुन ये भी सोच सकता है मैं क्यों कमल से दुश्मनी मान लू मेरे को तो ये बिल किसने दिया राम ने वो राम को ही गालियां दे रहा है फोन पे क्या था, किस नलायक आदमी का बिल तूने मेरे को दे दिया कहता क्यों क्या हो गया कहता वो कमल ने पैसे नहीं दिए और सुना से वही जो मैं तेरे को सुना रहा हूं वही थे कहता वही उसने पैसे नहीं दिए अब परेशान है कौन राम क्योंकि कमल तो वापस पैसे किससे मांगेगा राम से और राम किसमें किसमें जाएगा कोर्ट किसके अगेस्ट कमल के आगे कमल के पास जाना है और आगे कमल के पास पैसे लेने अर्जुन भी जा चुका है राम ने फोन पे बात करने की कोशिश की कमल से कमल किसी बात पे नहीं आ रहा पैसे देने की राम समझ गया ये पैसे नहीं दे रहा पूछना तसल्ली कर लो जाके पूछ लो नहीं दे रहा हो पूछ लिया अब आप कोर्ट में जाओ किसके अगेंस्ट कमल के अगेंस्ट सर ये पैसे नहीं दे रहा और वहां लाख रुपए निकाल के कमल कहता है सर मैं तो जेब में लेके घूम रहा हूं ये झूठ कह रहा है इन्होंने मुझे कहा ही नहीं ये बात थी वन लाख पैसे तो लिखने होते वन लाख की बात थी बिल में तो आप वकील कर लो धक्के खाओ फिर बाद में पता लगे वो पैसे दे गया क्या करोगे इससे अच्छा अपना सबूत इकट्ठे करो एविडेंस इकट्ठे करो किसके अगेंस्ट कमल के अगेंस्ट के ये डिसऑनर टू पे यानी पेमेंट से इनकार तो इसके लिए आप क्या करो नोटरी के पास जाओ नोटरी नोटरी गए ये पड़ोस में बैठे हैं जाते जाते मिल जाएंगे यही पड़ोस में नोटरी सरकारी वकील होता है सीनियर जिसको दस साल की प्रैक्टिस हो सरकार उसे पावर दे देती है क्या नोटरी करने की तरह तरह के यहां बैठे हैं मेहता जी भी बैठे हैं हैं एक एक दो और बैठे उनको जाके कहा मेहता जी बिल है कमल नाम के आदमी का और ये देने से इनकार कर रहा है प्लीज इसकी नोटिंग कर दो आप लिख दो बिल हैज बिल्ड है नोटरी का तो लिख दूंगा बिल्कुल पैसे भी लूंगा फीस लेकिन पहले मेरे को तो कोशिश कर लेने दो दे रहा है कि नहीं कहते कर लो जी आप भी कोशिश आपको भी शौक है तो वो नोटरी जाता है कमल के पास कहता है ऐसे करके मेरे पास एक बंदा आया है जिसने आपसे पैसे लेने वो मुझे कह रहा है 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 मैं मैं नोटिंग कर दू, लिख दू, के बिल है। मैं लिख बिल डिसऑनर डिसऑनर दूंगा इस पे है। पैसा दे दो वरना कमल को कहता है कमल उसको भी गालियां दे रहा है कमल कह रहा है तू ले लेगा लेके देख ले तो नोटरी आ जाता है नोटरी लड़ाई नहीं कटेगा नोटरी वहां से आ जाएगा उसने तसल्ली कर ली या फोन करके पूछ लेगा दे नहीं गर्मी में तो कहता नहीं दूंगा भाई जो करना कर ले नोटरी को कंफर्म हो गया कि बंदा सही कह रहा है राम के कमल डिफ़ॉल्टर है पैसे नहीं दे रहा वो पेमेंट बट इट इज लिख, देगा।, payment, लिख देगा, दे देगा कि बिल क्या हो गया है अपना सो दो सौ डेढ़ सौ रुपए जो भी है ले लेगा चार्जेस लिखने के दो सौ रुपये नोटरी ने ले ली अब आप कोर्ट में जाना किसके अगेंस्ट कमल के साहब ये पैसे नहीं दे रहा कम से कम कमल भाई ये झूठ तो नहीं बोल पाएगा कि मैं तो दे रहा था इन्होंने लिए नहीं नोटरी ने लिख दिया है और कोर्ट डांटेगा जब कमल को हाँ जी बोल क्या चाहता है कमल वहीं डर गया कमल कहता है जैसा वही चाहता हूं जो आप चाहते हैं पैसा देना दे दूंगा तो अब आपको लाख रुपए भी देना पड़ेगा प्लस उसके दो सौ रुपए नोटिंग के भी देने पड़ेंगे क्योंकि तेरी वजह से नोटरी की फीस लगी दे दे तो बढ़िया है नहीं तो एक और प्रॉब्लम अगर पता लगा कमल क्या है इंस्टॉलमेंट हो गया है कमल अगर इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया तो जज भी क्या कर लेगा है ही नहीं उसके पास है ही नहीं तब तो लाइन में लग जाओ जो।, जो बंदा इंस्टॉलमेंट हो जाए ना उससे पैसे लेने में दिक्कत होता है कोर्ट उसका सब कुछ अपने कब्जे में ले लेता है जो बंदा कोर्ट में जाके हाथ खड़े कर दे जैसा मुझे बचाओ मैं बर्बाद हो चुका हूं बिजनेस फेल हो चुके हैं मेरे आई प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो है यार बंदे का बिजनेस हो गया फेल होता है काम का कर, करने वालों का कई बार घाटे पड़ जाते हैं अब इसको मार डालना तो ठीक नहीं है ना भाई हो गया बर्बाद कोई बात नहीं अब उसे कोर्ट कहता है घबरा मत तेरी सारी लायबिलिटी बता क्या-क्या है तेरी सारी एसेट्स बता क्या-क्या है कोर्ट एक नोटिस निकालता है कि बंदा जो है गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इफ यू हैव एनी क्लेम अगेंस्ट दिस पर्सन प्लीज सबमिट योर क्लेम बिफोर दिस डेट अदरवाइज नो क्लेम विल बी एंटरटेन आफ्टर दैट डेट कोर्ट एक नोटिस निकाल देगा जिसने भी पैसा लेना है ना सबूत के साथ कोर्ट को बता दे इस बंदे से इस डेट तक बाद में को हमारे पैसे रह गए कोई उसका नहीं सुनवाई होगी जिसने लेने बता देंगे मान लो उसका सब कुछ बेच बचा के एक करोड़ आ सकता है और उसकी लाइबिलिटी पांच करोड़ की है तो क्या होगा कोर्ट क्या बटवाएगा सबको ट्वेंटी परसेंट एक करोड़ बटवाएगा पांच करोड़ के बदले में आपने लाख रुपए लेने बीस हजार मिलेंगे आपने दस लाख लेने टू लाख मिलेंगे पांच हजार लेने हजार रुपए मिलेंगे ऐसे रेशों में बाकी गए डूब आपके प्लस टू में जब आप ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ते थे थे तो उसमें क्या कहते थे? कि एक बिल डिस्काउंट करवाया हुआ है हमने और वो कहता था, वो देते थे, थे? आपको जो मिलने हैं देने किसको मिलने समझो देने किसको बैंक लिखते भी थे पर पूरी बात नहीं सुनते थे आप आ बस एक लाख है पचास परसेंट मिले बाकी पचास टू बैंक डाला अपना खेल खत्म अपना क्वेश्चन सॉल्व लेकिन कहानी ये वाली है आपको पैसे किसको देने हैं अर्जुन को लाख रुपए अर्जुन को देने किससे देने हैं, कमल कमल दे नहीं पा रहा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ कितने मिलेंगे मान लो बीस पैसा बीस हजार कौन ले अर्जुन लाइन में लग के कोर्ट के थ्रू लिया रह गए कौन भरेगा ये राम अस्सी हजार रुपये और देगा किसको अर्जुन को अर्जुन कहता है राम तू तो इंसॉलमेंट नहीं हुआ तू तो दे मेरे पैसे समझे तो कहने का मतलब ये पूरी एक स्टोरी है बिल कैसे चलता है बिल लिखने वाला कौन है क्रेडिटर जिसने पैसे लेने हैं एक्सेप्ट करने वाला कौन है डेटर बायर सामान का जिसने पैसे देने हैं किसके फेर में खुद के भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है ड्यू डेट कैसे निकलेगी तीन दिन ग्रेस के जोड़ के क्लियर और इमरजेंसी छुट्टी हुई तो ग्रेस डेज के जोड़ने के बाद दिन बना तो मान लो किसी ने आपको बिल दिया 12 जून को दो महीने का बिल है 12 जून को दो महीने का बिल है ये ड्यू डेट बनाना इसकी 12 जून में दो महीने जोड़ोगे तो 12 जुलाई और 12 अगस्त होगी ट्वेल्थ अगस्त तीन दिन क्या जोड़ोगे ग्रेस सोलह काम बनगी? फिफ्टीन अगस्त सारी दुनिया को पता है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम तो न्यू डेट क्या बनेगी एक दिन पहले एमरजेंसी क्या है इसमें ये तो नॉन हॉलिडे है सारी दुनिया को पता है ये नॉन हॉलीडे है तो आप एक दिन पहले बना देना ड्यू डेट क्या बन जाएगी चौदह अगस्त समझ गए ड्यू डेट बिल का प्रोसीजर समझ गए नोटिंग क्या चीज है वो भी समझ गए ये था प्रोमिसरी नोट देखना ऐसा देखना इसमें एक वर्ड बदल दिया मैंने क्वेश्चन में बस बाकी सारा सेम है आफ्टर साइट कर दिया पहले क्या था आफ्टर डेट आफ्टर डेट लिखा है ना टू मंथ्स थ्री मंथ आफ्टर डेट लिखा है तो जिस दिन बिल लिखा ब्रोड ने उस दिन से गिनने दिन बिल कब लिखा गया था एक जनवरी को दो महीने तीन महीने जो भी है उससे अगर मैं कमल ने बिल एक्सेप्ट किया है कमल ने बिल एक्सेप्ट किया है छे जनवरी चौबीस हमने जो बंदा भेजा ना कि कर लूंगा क्या एक्सेप्ट कर लूंगा भेज दूंगा साइन मार के। उसने साइन मार मार के के उसने उसी वक्त नहीं दिए कहता भर दूंगा कोई नहीं कर दूंगा सर कर दो जी कोई टाइम लगता है क्या नहीं यार अभी मैं भी नहीं हूं, मेरा दिमाग सेट नहीं है अभी बाद में करूंगा पता क्या है बंदा समझदार है बंदा सोचते इस पे साइन मारना मतलब जिम्मेवार बनना है पहले मैं अपना हिसाब किताब तो देख लूंग भी दो महीने बाद पैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे समझिए ना तो ही साइन मारूंगा नहीं तो ये तो पक्का ही गया साइन करने के बाद कोर्ट हो गिनने आपने एक्सेप्टेंस की डेट से बिल लिखने वाले ड्रोन की डेट से नहीं आपने दो महीने एक जनवरी को बिल लिखा ड्रोन क्रेडिटर राम ने पैसे लेने थे क्या अर्जुन को दे देना मेरी तरफ से लेकिन इस पे तो क्या लिखा आफ्टर साइट तो आपको ड्यू डेट 6 जनवरी से बनानी है सीधी सी बात है आपको दो महीने जोड़ने किसमें 6 जनवरी 6 जनवरी से दो महीने जोड़ो कौन से बनेंगे बनाओ हां जी बनाओ 6 जनवरी में दो महीने जोड़ो तो क्या बन जाएंगे ये बन जाएंगे

आफ्टर डेट में कब से गिनना है जब डोर ने बिल लिखा तब से क्लियर डोर लिखेगा ही कौन है डोर मैं बिल लिख रहा हूं हरदीप से पैसे लेने तो मैं लिखूंगा ही उसमें वर्डिंग क्या आफ्टर डेट हरदीप जब मैं बिल लिख रहा था ना हरदीप फोन करके कहता है सर आप मुझे टाइम देना मैंने कहा ठीक है तीन महीने दे देना मैंने कहा ठीक है सर तीन महीने प्लीज आप उसमें लिख देना आफ्टर साइट मैंने कहा क्यों जब आज की डेट है बिल का तूने कहा तीन महीने तीन महीने बाद लिख रहा हूं तीन दिन ग्रेस बाय मिलती है अभी और चाहता है कह नहीं नहीं, आप आफ्टर लिख देना। मैंने लिख दिया तो ये वो टाइम ले गया क्योंकि मान लो ये दो तीन दिन में एक्सेप्ट कर रहा है तो दिन ग्रेस के जोड़ने के अलावा भी जो टाइम गैप है वो कहां से गिनना है आफ्टर एक्सेप्टेंस गए ना थोड़ा और चेंज कर रहा हूं लो जी थोड़ा और चेंज कर रहा हूं उसने कब एक्सेप्ट किया उसका चक्कर ही नहीं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं लो जी माल किसने बेचा था राम ने कमल को कमल डेटर और राम क्राइटर राम लिख रहा है कमल की तरफ से मैं पेमेंट दे दूंगा किसको अर्जुन कौन ऑफ़ राम ऑन डिमांड अच्छा ऑन डिमांड यानी कि इसमें ड्यू डेट का चक्कर ही नहीं ऑन डिमांड कहता जब मांगेगा मैं पैसे दे दूंगा बढ़िया वाली बात है ये कि जब आए मांग ले इसमें कोई ग्रेस का चक्कर ही नहीं है क्लियर या वो डेट लिख दे आई अग्री टू पे ऑन टेंथ ऑफ मार्च तब ग्रेस डेज का कोई चक्कर नहीं बस वो डेट ही है फाइनल तब दे दूंगा 10 मार्च को दे दूंगा बस फाइनल जब वो लिखता है ना इतने दिन में दे दूंगा दो महीने में दे दूंगा तब होता है चक्कर किसका ग्रेस का और यहां तो गैप ही नहीं चेक क्या होता है चेक चेक पेबल ऑन हो डिमांड होता है चेक में जो डेट लिखी है ना उसके बाद कोई भी जाके बैंक से पैसे ले सकता है अगर अकाउंट खाली हुआ ना सामने वाले का सेक्शन 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक्शन है अकाउंट में पैसे ना और चेक काट दो मजाक बना दिया आपने नहीं तो चेक हमेशा क्या होता है पेबलॉन डिमांड मान लो सिमरन ने मुझे चेक दिया पर सिमरन के पास अभी पैसे नहीं है पर ये चेक देके मुझे तसल्ली देना चाहती हैं कि सर ठीक है पैसे तो आ ही जाएंगे आपके पास एक तरीका है फिर इस केस में चेक चेक आपने देखा होगा इन्होंने सुमित को लिखा ठीक है इधर वर्ड्स में लिखा होता है अमाउंट वन लैख ओनली वर्ड जरूर कर देना बाद में कहीं आगे कुछ और लिख ले कोई ओनली और अमाउंट एक लाख रुपए लिख के आगे कोई स्कोप ना हो और ऐसे तो लिखना ही नहीं चाहिए फ्री कोमा वगैरह लगा दो ताकि उसका मीनिंग अलग हो जाए क्योंकि ऐसे लिखे ना कोई आराम से आके जीरो और लगा लेगा दिक्कत हो जाएगी तो आप कॉमा वगैरह यूज करने की आदत बना लो सारे अकाउंट बैंक वाले अकाउंटेंट सीएज कोमा जरूर लगाते हैं अमाउंट लिखते वक्त आदत होती बढ़ जाती है वन लाख लिखा आगे स्लैश ताकि आगे कुछ ना लिखे और अमाउंट फिगर में भी वन लाख और नीचे सिमरन ने अपने साइन कर दिए हैं अकाउंट नंबर इनका आ गया है यहां पे डेट इन्होंने डाल दिया आज कितनी तारीख है 22 इन्होंने यहां डेट डाल दी फर्स्ट मई 24 इट मींस फर्स्ट मई 24 तो भी आया ही नहीं ये चेक क्या हो गया ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया पोस्ट डेटेड चेक हो गया इस पे अभी वो डेट आई नहीं जो लिखी है यानी सिमरन ने ये चेक दिया क्या लीगली वैलिड है बिल्कुल वैलिड है अगर ये चेक ऐसा मुझे दे रही है और मैं ले रहा हूं चेक या तो मैं तभी कह दू ये क्या है आज बाईस आठ दिन और लेना चाहते हो आप क्या सर चेक पकड़ो ना आठ दिन भी आ ही जाएंगे आएंगे मैंने कहा चलो आ ही जाएंगे यार आठ दिन और आ जाएंगे ले लिया मैंने पर मैं आज बैंक में जा सकता हूं क्लियरेंस के लिए नहीं जा सकता इस पे डेट कौन सी लिखी है जो भी आई नहीं फर्स्ट में ट्वेंटी फोर लिखा है तो ये क्या है पोस्ट डेटेड चेक है आप फर्स्ट में से पहले बैंक में नहीं डिमांड कर सकते अगर हाँ इस चेक पिट मतलब ट्वेंटी सेकेंड में लिखा है आज सुबह दस बजे आया और मैंने बंदे को कह दिया जाके बैंक में क्लियरेंस में लगा दे अभी लगा सकता है क्या यस हाँ हाँ आज बाईस तारीख है सुबह सुबह चेक दिया दस बजे ग्यारह बजे तो मेरा स्टाफ बैंक में डालने भी पहुंच गया चेक क्लियर करवाने के लिए देर करने का क्या फायदा है जितने जल्दी आ जाएंगे बढ़िया डाल सकते चेक वैसे जो चेक होता है ना वो तीन महीने वैलिड होता है थ्री मंथ्स वैलिड होता है अगर आपने मुझे चेक 22 मार्च 22 मई को दिया बम, ये डेट, अच्छा अच्छा अच्छा, इस करना पड़ेगा ना मई होगा तो जा ही नहीं सकते 22 अप्रैल है, आज 22 अप्रैल और आज ही आपने चेक चक्रिया अभी क्लियरेंस में जा सकता है यस आज ही मांगे जा सकते हैं यस लेकिन ये थ्री मंथ्स वैलिड है कई बार क्या होता है चेक अपने पास पड़ा रहता है भेज देंगे बैंक में ऐसा होता है ना देर मत करना तीन महीने के अंदर अंदर क्लियरिंग में लगा देना ये ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल है तो यानी कब तक ट्वेंटी सेकेंड जुलाई ट्वेंटी फोर से पहले पहले इस चेक को क्या आप क्लियरेंस में लगा दो क्लियर करवा लो वरना ये चेक क्या हो जाएगा स्टेल टाइम बार हो जाएगा स्टेल चेक हो जाएगा इसे बोलते हैं स्टेल चेक स्टेल यानी बेकार टाइम बार कह दो अकाउंट बैंक वाले टाइम बार क्या देते हैं सुनो टाइम बार डेट का मीनिंग पता लगा स्टेल चेक तीन महीने पुराना मान लो ये चेक सिमरन ने मुझे दिया लाख रुपए लेने थे मैंने बाईस अप्रैल से बाईस जुलाई आ गई भूल भाड़ गया मैं चेक रख के इधर उधर और 22 जुलाई के बाद बैंक में भेजा तो क्लियर नहीं होगा हां जी निखिल क्या कहते हो क्या होगा अब तीन महीने तक चेक पड़ा रहा मेरे पास सिमरन ने 22 अप्रैल को दे दिया था बायचानस ध्यान ही नहीं रहा इधर उधर रख दिया और वो तीन महीने बाद मेरे को ध्यान आया जब मैंने बैंक में बंदा भेजा भैया क्लियर करवाना है सिमरन के अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे बैंक बी चेक क्या है, है? तीन महीने से ज्यादा पुराना है स्टेल हो गया है टाइम बाढ़ हो गया है क्या होगा बस सब पैसे का क्या होगा एक लाख का डूब गए गए पैसे सिमरन को मैंने फोन लगाया सिमरन वो आपका सॉरी वो जो चेक था ना तीन महीने उसके निकल गए देखो प्लीज वो चेक देखो वो तो टाइम निकल गया मेरे को ध्यान नहीं रहा सिमरन सारी बात समझ गई लेकिन समझ के भी समझना नहीं चाहती क्या मैं क्या करूं <laughs> ये वाला ये ही कहता है कि करवा लेते मैंने तो इतनी देर अकाउंट में पैसे रखे आप क्लियर। मैंने समझाया सिमरन को देखो सिमरन आपके पैसे तो नहीं गए आपके पैसे लाख रुपए निकले क्या माना मेरी गलती सॉरी बोल दिया मैंने भी तीन महीने में क्लियर करवाना होता है पर सॉरी कह दिया ना मैं भूल गया और चेक दे दो न्याचक दे दो ये पकडो अपना चेक वापस सिमरन कहते हम थोड़ी होता है ऐसे थोड़ी होता है मैं फिर क्या करा मैंने कोर्ट में गया कोर्ट पैसे दिलवाएगा यस ऐसे पैसे जाएंगे नहीं भैया पैसे क्यों जाएंगे क्योंकि अपन ने कोई पैसे निकलवाए कोर्ट में गया मैंने कहा जय साहब ये सारी बात है सिमरन चेक कोर्ट नहीं दे रही जज पहले मेरे को डांटेगा यार चेक संभालते नहीं यार तुम क्लियर करवा लो कुछ तो रिस्पेक्ट करो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं तीन महीने निकाल दिए तूने मैंने कहा जय साहब जो भी आप समझो पर गलती होगी भूल गया और ये चेक नहीं दे रही वो तो मैंने लेना है जज कहता है ये बात भी सही है पैसे तो नहीं निकले विवरण के लाख रुपए आप और चेक दे दो इनको कोर्ट कहेगा इसलिए याद रखना कई बार सोसाइटी में आप घबरा जाओ भी ये चेक कैसे पर लेकिन क्या है क्लियर करवा लेना बड़ी दिक्कत है ये तो इसी शहर में मैं इनको रिक्वेस्ट भी कर लूंगा आप पैसे भी अच्छे हैं करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट लाख रुपए ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे लेकिन कई बार आपके घरों में डिविडेंड के चेक आए पड़े होते हैं छोटे छोटे मेरे पास थोड़े थोड़े शेयर हैं कुछ कंपनी के ज्यादा नहीं है और मेरे को याद भी नहीं किसके हैं किसके नहीं बहुत साल पहले लिए थे डूब डाब गए काफी तो पांच चार कंपनियों के पड़े हैं मैंने कभी संभाल नहीं कितने कैसे आते रहते हैं जैसे चेक आता रहता है कई बार चेक पढ़ा रहे थे मैंने ऑफिस में बंदे को कहा पर मार आते जाते मार्केट में चेक क्लियरिंग में लगा देना चेक होते हैं छोटे छोटे तीन सौ रुपये का पांच सौ रुपए का दो सौ रुपए का ढाई सौ रुपये का डिविडेंड आता है डिविडेंड फेस वैल्यू के ऊपर आता है वैसे शेयर की वैल्यू चेंज जितनी मर्जी हो मान लो मेरे पास एक इंडिया ये चलो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है फेस वैल्यू दस रुपए डिविडेंड आएगा दस परसेंट कितना एक रुपए लेकिन शेयर मान लो मार्केट में पंद्रह सौ रुपए का है सौ शेयर है मेरे पास ठीक है तो वो है तो कितने के डेढ़ लाख के लेकिन सौ शेयर पे डिविडेंड क्या आ रहा है एक रुपया पर शेयर सौ रुपए दो रुपये पर शेयर दो सौ रुपए तो क्या होता है कई बार लड़का भी भूल गया क्लियरिंग में लगाना अपने को याद नहीं तीन महीने बीत गए स्टेल हो गया चेक अब क्या करो कौन रिक्वेस्ट डाल डाले कंपनी में सर प्लीज यहां चेक दे दो गलती होगी नहीं क्लियर आसान है क्या कंपनी में कहना पर कहना चाहिए क्योंकि अब ये रूल है कि अगर सात साल तक आपने अपना डिविडेंड नहीं लिया सात साल तक आप कंपनी से कोई कम्युनिकेशन नहीं करते और जो डिविडेंड के चेक आ रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहे यानी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे तो कंपनी को लग सकता है कि बंदा है ही नहीं सात साल बाद आपके शेयर भी चलते बनेंगे जो शेयर हैं वो सारे कहां चले जाएंगे एक फंड बना रखा है सरकार ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आपके शेयर और वो डिविडेंड सारा किसमें चला जाएगा सरकार के फंड में कंपनी में सेक्शन एक जो ये बात करता है 24 25 चलो 125 ये पैसा कंपनी शेयर भी उड़ा देगी अगली बार चकानी बंद हो जाएंगे इसलिए 150 150 डेढ़ जितने भी रुपए हैं उसका डिविडेंड का चेक जरूर क्लियर करवाओ सात साल तक अगर आपने कोई चेक क्लियर नहीं करवाया तो कंपनी मान लेगी बंदा दुनिया में पता नहीं है ही नहीं जो रहा डिविडेंड कंपनी वार्निंग देती है वैसे मेरे पास एक कंपनी की वार्निंग आई थी ऐसे कि भाई आप मतलब ये चेक आपका जो है सेवन ईयर का डिविडेंड जो है क्लेम नहीं हुआ होते ही थोड़ा थोड़ा था बता कहते हैं यार किसी को वो चेक क्लियरेंस के लिए भेजेंगे उसका इतना पेट्रोल लग जाएगा जितने का ये चेक नहीं है तो पर दिक्कत ये आती है कंपनी की वार्निंग आती है कि ये शेयर और ये डिविडेंड क्या है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा प्लीज आप इसको क्लियर करवाओ करवा लो वरना वो शेयर भी चलते बनेंगे और फिर सरकार के पास चला गया पैसा तो मिल तो जाता है पर सरकार से लेना आसान है क्या बड़ी फॉर्मेलिटीज है कंपनी कहेगी जी गवर्नमेंट के पास है ये लो हमसे लिखवा के ले लो फिर कंपनी से लिखवा के सरकार के पास रिक्वेस्ट डालेंगे बड़ी दिक्कत है इसलिए ना ही जाए तो अच्छा है क्लीयरेंस में लगा देना चाहिए चलो बहुत सी कंपनियां तो आजकल अकाउंट में ही डालने लग गई सीधा तो चेक क्या होता है ऑन डिमांड जब मांगो पैसा मिल जाएगा चेक में और बात ये चेक किसके नाम है सुमित के किससे आया सिमरन टू सुमित साइन हो गए सिमरन के मेरे पास आ गया चेक मैंने पैसा देना मान लो अर्जु को अमाउंट पेबल टू अर्जु सेम लाख रुपए मैंने क्या किया इस चेक के बैक साइड एक लाइन लिखी इस चेक के बैक साइड क्या दिस चेक इज एंडोर्स इन फेवर ऑफ अर्जु नीचे सुमित के साइन अब चेक का मालिक कौन बन गया है अर्जुन ये लगा सकती है बैंक के क्लियरिंग में अर्जुन ने पैसे देने थे आगे मंजीत मंजीत को इन्होंने लिखा इट इट इज टू बी इंडोर्स इन फेवर ऑफ मंजीत नीचे साइन किसके आरजू के मंजीत ने आगे रहमत को दे दी आगे सिमरन को फिर चला गया फिर आगे।, आगे आपका नेम क्या बेटा माही माही को चलेगी इस तरह ओनी को चलेगी ऐसे जाते रहे लास्ट पर्सन ओनी है उनके पास ये चेक पड़ा है आप लगा देना बैंक में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सिमरन के अकाउंट से निकल के किसके अकाउंट में आ जाएंगे के ये चेक आगे आगे जाता रहता है पेज भर गया अब भी नहीं चाहती बैंक में लेना पैसे वो चाहती इसको भी आगे ट्रांसफर कर हितांशी को ट्रांसफर करना चाहती है लेकिन पेज भर गया चेक के बैक साइड इतनी जगह ही नहीं ओनी कहती है मेरे को फोन लगाती है सर ये चेक आगे नोट नहीं हो सकता क्या इसके पीछे तो स्पेस ही नहीं है वो लाइन लिखने का शी साइन कहा करूं मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा इसके वेबसाइट पेज लगाओ एक कॉपी से निकाल के पेज लगा के स्टेपल कर लो उसपे शुरू हो जाओ उसे बोलते अलॉन्च याद रखना अलॉन्च एलॉन्च वो पेपर है एलॉन्च ठीक है वो लगा लो ये नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है रुकते नहीं चलते रहेंगे क्या लगा लो एक पेपर अटैच कर लो स्टेपल कर लो और उस पर लिख देंगे और नहीं इज टू बी इंडोर्स इन फेवर ऑफ हितांशी साइन अब हितांशी पेमेंट ले लेगी ले ऐसे आगे आगे क्या होता रहता है इंडोर्स क्लियर एक बात है चलो एंडोर्समेंट छोड़ो ये सुमित गर्ल के नाम चेक है दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब अकेला सुमित लिखा हो क्योंकि नाम कॉमन हो जाता है ना मान लो ये सुमित के नाम चेक है मेरे पास चेक था मेरे से गिर गया चेक गिर गया अब ये चेक कोई भी जाके बैंक में कह देगा ये ओपन चेक है ओपन चेकमीस चलो गोयल भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या ये ओपन चेक है ओपन चेकमीस ये एक बेरड चेक ही है बेरड मीस जिसके पास है उसी का है मान लो ये चेक क्या नहीं आपका? मीना चेक मीना के हाथ लग गया है तो किसके नाम सुमित मीना बैंक में जाके कह देगी मई सुमितू लाओ वैसे सुमित के साइन बैंक पूछेगा नहीं कोई तो लगता तो नहीं ना क्योंकि बैंक का राइट ही नहीं है पूछना यह चेक क्या है ओपन चेक इसमें पेमेंट देने वाले ने सिमरन ने चेक काटा उसमें पे टू सुमित भर दिया कौन सुमित कौन कुछ नहीं ओपन चेक है बिरड चेक है जिसके पास है वही पैसा ले सकता है बैंक के काउंटर में जाके सिमरन का बैंक था पंजाब नेशनल बैंक तो क्या ये मीना के हाथ लग गया चेक मीना क्या करे पंजाब नेशनल बैंक के काउंटर पे जाके कैश वाले पे कहे कि ये चेक की पेमेंट दे दो वो पेमेंट दे देगा इनको कहेगा साइन करो ये अपने सुमित वाले साइन मारे और चेक के पैसे ले जाएंगे कोई बैंक की ड्यूटी नहीं कि मैच करना आईडी वगैरह क्योंकि ये चेक काटने वाले को सोचना चाहिए था सिमरन को कि ऐसा खतरा है सिमरन कहती मैं क्या करूं सुमित सर सोचे गुम होएगा उनका होएगा मैंने तो दे दिया मान लो मीना पैसे ले जाए तो क्या मैं सिमरन को ब्लेम कर सकता हूं कि भाई वो आपका चेक था पैसे निकल गए मुझे तो मिले ही नहीं कोई और ही ले गया सिमरन कहती सर मैं क्या करूं मान लो आपको नोट नहीं होते सर नोट दी होते मान लो लाख रुपए कैश गिर जाते कोई और ले जाता फिर क्या करते आप संभालो नोटो की तरह संभाला करो चेकबुक को नुकसान मेरा है लेकिन अगर इसके साइड में दो लाइनें लगा दी जाए पैरल दैट इज क्रॉसिंग ऑफ चेक दो लाइनें लगा दी दैट इज क्रॉसिंग ऑफ सुनना ये सारा अपने इस चैप्टर में और अब तो लो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ब्रीफ

तो आपसे गाइडेंस लेगा तो आप भी कह, तभी बताओगे जब आपको पता होगा दो लाइन लगा दी तो ये क्या है क्रॉसिंग इसका मतलब पता क्या है इस चेक की पेमेंट काउंटर पे नहीं हो सकती कैश ये सिर्फ और सिर्फ क्या है अकाउंट में जमा होगा क्लियर ये सिर्फ क्या होगा अकाउंट में जमा होगा और किसके अकाउंट में जमा होगा सुमित के अकाउंट में जमा होगा जिसका नाम यहां लिखा है उसके अकाउंट में जमा होगा सिमरन ने चेक दिया सुमित को और क्या कर दिया उसपे क्रॉस अगर वो चेक गिर गया और मीना को मिल गया तो मीना पेमेंट ले सकती है काउंटर पे नहीं ये चेक क्या है क्रॉस ओपन होता तो ले लेती क्रॉस इसका मतलब ये है सुमित अपने अकाउंट में डाले सुमित का बैंक किसके बैंक से पैसे ले लेगा सिमरन के बैंक से यही सिस्टम है ना यही बात है मीना को चेक मिल गया मीना को सारा लो पता है चेक तो मिल गया ये सोच नहीं अब करूं क्या मैं तो मीना हूं ये चेक किसके नाम है सुमित के नाम मैं क्या करूं पेमेंट का इन्होंने गली मोहल्ले में ढूंढा तो कोई सुमित गोयल और मिल गया मिल जाते नाम कोई ऐसा कॉमन सा नाम मिल जाता है मेरे दो तीन स्टूडेंट सुमित गोयल के नाम से मुझसे पड़े हुए हैं मिल जाते हैं ऐसी कॉमन है तो क्योंकि चलता है अब क्या हुआ इन्होंने इधर उधर जाके कहीं से और बंदा ढूंढ लिया जिसका नाम सुमित गोयल है और उसको कहते हैं भाई तेरा फायदा कर दूं क्या तो 20 30000 पे तेरे को बन जाए तो कोई दिक्कत है कहता ना दिक्कत क्या है ये पूछती है कि भाई तेरा अकाउंट है वो कहता अकाउंट तो नहीं है कहती फिर खुलवा ले आजकल अकाउंट ऐसे खुल जाता है कुछ प्राइवेट बैंक में तो फोन मारो डॉक्यूमेंट लेने घड़ी आ जाते हैं जाने की जरूरत तो नहीं कौन खोल देते हैं इन्होंने सुमित गोयल का अकाउंट खुलवा दिया फिर उसके अकाउंट में लगा दिया ये क्लियरिंग में उसके अकाउंट में जाएगा ये चेक का पैसा क्यों वो सुमित के नाम चेक है तो ऐसे ही हुआ सिमरन के अकाउंट से निकल के पैसा किसके अकाउंट में पहुंच गया वो सुमित गल और जब उसके अकाउंट में आ गया तो मीना ने कहा भाई निकाल के दे सत्तर हजार साठ हजार जहां भी इनकी आपस में अग्रीमेंट थी और लेके ये गायब वो पैसा सुमित के अकाउंट में चला गया जब मेरे को पता लगा यार मेरा चेक संभाला मैंने गिरा तो बैंक में कंफर्म किया तो सिमरन ने कहा मेरे अकाउंट में तो डेबिट हो गए सर ये देखो मैसेज आया पड़ा है तो मैंने कहा मैंने तो लिए नहीं सिमरन कहती मैं क्या करूं नहीं लिए तो चेक तो मेरे अकाउंट से कट गया सही है ना अब पता लगाया जाए कि आखिर कौन ले गया पैसे पता लग जाएगा लग जाएगा क्यों क्योंकि वो काउंटर पे थोड़ी पेमड़ी है काउंटर ओपन चेक की तो वो मास्क वस्क लगा के मीना पैसे ले जाती भाई आपको जी सीसीटीवी लगा है वहां से देख लो पैसे कौन लेने आया बैंक से तो ये तो मास्क आजकल बढ़िया गर्मी भी है और दूसरा वो कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस भी है मास्क लगाना तो वो वैसे नहीं पता लगता कौन आया कौन नहीं तो पैसे ले जाए तो क्या पता लगेगा कौन ले गया लेकिन ये तो काउंट में गया है कौन पकड़ा जाएगा वो सुमित दूसरे वाला वो खा पी के उड़ा गया कुछ तो सत्तर हजार रुपये इनको दे गया ये गायब होगी तीस हजार वो निकाल के उड़ा गया कर लो क्या करना है पता भी लग गया फिर भी क्या कर लोगे इसलिए थोड़ा चेक को क्या बनाओ सेफ, सेफ बनाना है तो सुमित गोयल तो बड़ा कॉमन नाम है आप यहां पे नाम डाल दो मान लो बैंक का उसके आपने डाल दिया एक्सिस बैंक इसका मतलब सुमित कौन सा एक्सिस बैंक वाला अब थोड़ी सेफ्टी और ज्यादा हो जाएगी ना क्या एक्स एक्सिस बैंक वाला ही सुमित चाहिए फिर आप कहोगे जी नहीं हम उस सुमित का अकाउंट एक्सिस में खुलवा देंगे फिर तो सही है तो इस तरह से थोड़ा सा और सेव करने की जरूरत लगती है तो और सेव करो आप यहां पे उसका अकाउंट नंबर डाल दो उसका अकाउंट नंबर डाल दो सिक्स जीरो नाइन जीरो वन जीरो फाइव फोर टू फाइव अब अब आप इसको फेंक के भी जाओ ना गली में तो भी तो भी कुछ नहीं होगा पता क्यों क्योंकि किसके अकाउंट में जमा हो गए सुमित के सुमित कौन सा एक्सिस बैंक वाला और उसका अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक में भी खुल जाएगा अकाउंट लेकिन बड़ा तो तो में में रश होता है उस बैंक में स्टाफ भी जाता है ना परेशान होके आता है पर वो अकाउंट इसीलिए चल रहा है क्योंकि पुराना दिया हुआ है कई जगह डिविडेंड के चेक आते हैं और आते हैं या तो कंपनी में वो अकाउंट नंबर लोहा तो इस चक्कर में चल रहा है तो वो ब्रैकेट में लिखा आता है अकाउंट नंबर अब ये पूरा सेफ है क्लियर लेकिन आगे इंडोर्स डॉट होना वो कोई रोक नहीं एक बात और अगर किसी ने लाइनों के बीच में अकाउंट पे लिख दिया ना अकाउंट पे पे टू एक्स अकाउंट पे इसका मतलब ये होता है अकाउंट पे का चेक कांट बी एंडोर्स फर्दर किसी भी हाल में चेक को आगे आगे भेजा एंडोर्स नहीं किया जा सकता हर आल में पेमेंट उसको मिलेगी जिसका फेस ऑफ चेक नाम है बस इसको एक्स आगे किसी को दे सकता है नहीं तो ये कौन सी क्रोसिंग है अकाउंट पे ही वाली क्लियर वैसे आरबीआई रोकता है रिजर्व बैंक कहता है अकाउंट पे ही वाली क्रॉसिंग ना किया करो आरबीआई कहता है कहता है ये आगे जाने चाहिए नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है ठीक है ना तो चलो एक तो होगी जनरल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग तो ये वाली थी जिसमें सिर्फ लाइनें लगाई थी एक होगी स्पेशल वाली क्रॉसिंग दो ये होगी स्पेशल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग में क्या गया बैंक का नेम और जनरल वाली में सिर्फ लाइनें और सेफ्टी तो है सिर्फ लाइन वाली में अकाउंट में जाएगा कल को पता तो लग जाएगा ना किसके अकाउंट में गए कैश वाले का क्या सबूत है ना? तो इसीलिए क्रॉसिंग हमेशा चेक की करनी चाहिए क्या हुआ थोड़े दिन पहले की बात है नाम नहीं लूंगा एक सिरसा के प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल अब आप ढूंढ लेना लेडी प्रिंसिपल प्रिंसिपल है एक बैंक में खड़ी थी मैं भी जानता था उनको जैसे एक दो बार मिलना हुआ पहले तो वो चेक लेके आई थी वो वैसे स्कूल की प्रिंसिपल होगी सारी नॉलेज होगी लेकिन बैंकिंग सिस्टम में कच्ची थी वो मैम तो वो चेक लेके आ गई ऐसा जिसमें क्या था क्रॉसिंग हुई हुई थी वो काउंटर पे मैं थोड़ा साइड खड़ा था वो काउंटर पे बहस कर रही थी सामने वालों से कि प्लीज क्योंकि ये किस में जाएगा अकाउंट में उस मैम को पता नहीं उसने अपनी तरह नेगोशियबल पढ़ा नहीं ना उसने कॉमर्स वाली क्लास लगाई होती तो बहस ना करती वो डिबेट कर रही थी ढोस जमा रही थी कि भाई भैया चेक की पेमेंट दे दो मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल हूं मैं कोई ऐसी फ्रॉड थोड़ी हूं मैं तो उसकी प्रिंसिपल हूं थोड़ा सा अमाउंट दे दो वो वो मैम आगे से वो बंदा पता क्या बोला मोदी भी आ ना इसकी पेमेंट काउंटर पे नहीं हो सकती आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हो जो बैंकिंग एक्ट ही नहीं मरना है क्या सामने वाले ने कैश दे के वो सस्पेंड हो जाएगा बात पैसे की नहीं बात आउट ऑफ लो है कैसे हो जाएगी समझे ना नहीं दिया उसने इंसल्ट इंसल्टी हुई मैम वापिस आ गई तो कई बात लोगों को नॉलेज नहीं होती नॉलेज होनी चाहिए चेक क्या वो ऐसी मजाक में नहीं लिया जा सकता क्या आप रिक्वेस्ट करोगे हो जाएगा समझ आया तो ये चेक और ये नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में क्या था बिल ये वाला जो मैं लिख रहा था ना बिल बिल तो आप एक दूसरे पे लिखते हो ठीक है ना एक दूसरे पे लिखते हो जबकि चेक बैंक की प्रिंटेड कॉपी होती है आपके पास उसके ऊपर लिखते हो बैंक को हुक्म है कि पे टू हिम जैसे सिमरन ने चेक काटा तो ये बैंक ऑर्डर दे रही है पीएनबी बैंक को इनका बैंक पीएनबी है कि पे टू सुमित ऐसा ना लेकिन बिल में भी ऑर्डर है बिल में क्या है है ये राम ऑर्डर दे रहा है. किसको कमल को कि पे टू अर्जुन अर्जुन को दे दो लेकिन उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या माही ने मुझे चेक दिया लाख रुपए ठीक है क्या बैंक से एक्सेप्ट करवाने जाना है यहां चेक दे दूं के ना दे दूं नहीं चेक आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए आप बस मुझे चेक दो मैं क्लियर में लगा लूंगा आपके अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और चेक में स्पेलिंग ध्यान से देख लेना पेमेंट नहीं होती स्पेलिंग वगैरह देख लेना एक बार बैंक ने कैनरा बैंक ने मुझे चेक दे दिया एक तो गलती कर दी उन्होंने मैसेज लगा दिया जैसे मान लो

ये आप तो आपका सेविंग अकाउंट है सुमित गोयल के नाम से मैसेड में तो फॉर्म नाम है वो तो बिल्कुल ही नहीं मैच करता ये ये चेक चेक नहीं क्लियर होता सर ये चेक तो वापिस जाएगा बेंगलोर वहां से ठीक आएगा तब आपको पेमेंट आएगी नहीं तो नहीं होती पेमेंट तो बात सही भी है उनकी क्योंकि वो वाकई सुमित सही के अकाउंट में जा रहा है कि नहीं कल को और किसी का चेक को क्योंकि स्पेलिंग ही नहीं मिलती और मैसेड ये तो फर्म नाम है सुमित गोयल तो पर्सनल नाम हो गया फिर मैं एक्सिस बैंक में गया, उनको दी कि के दे देता हूँ दे दे मैं आपको क्योंकि वहां जाना बेंगलोर से वहां वापिस कब आया ना आया दो महीने पता लगे तीन महीने वेस्ट हो जाए पेमेंट रुक जाएगी फिर उसने वो चेक क्लियर कर दिया जब उसे तसली होगी ना कि हाँ ये पर्सन कौन है क्या है सब उसे श्योर हुआ बैंक मैनेजर कहता है, तो है, तो है।, है? है। लेडीज के नाम दुकान चल रही है बैंक अकाउंट क्या है लेडी के नाम घर में प्रोपराइटर दुकान की शीला देवी ममता देवी या कोई ऐसे नाम होते हैं तो वो मोहिका रानी ऐसे और चला कौन रहा है दुकान हस्बैंड नाम किसका है प्रोपराइटर का

तो अब नहीं है कोई ऐसा चक्कर एक दो क्लाइंट है वो क्या करते हैं बार -बार है, या तो ने क्या कर रखा है, वो बैंक में ही अपने चल रहे हैं उनके वो मिलते जुलते साइन मार देते हैं वाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिस कर करके चल जाता है या फिर क्या उन्होंने ना ब्लैंक चेक बुक साइन करवा के रख ली होती है वाइफ से सारी ब्लैंक चेक साइन करवा के रख लिए दुकान पे जब जरूरत तो होगी भर लेंगे बार बार साइन कौन करवा यह बड़ा खतरनाक है क्योंकि ब्लैंक चेक पे साइन है कल को कोई भर के निकाल ले जो चोरी करके और भर ले साइन तो हुए हुए हैं दिक्कत हो जाएगी ना तो इसलिए ये गलती कभी ना करो थोड़ी सी तकलीफ थोड़ा टाइम लगेगा बार बार साइन करवाने जाओ एक चेक में साइन करवाओ ऐसे नहीं खतरा इसमें चोरी हो जाए और हो जाए इसलिए ऐसी गलती ना करे लोग लापरवाही करते उस चेक को मजाक जैसे समझना के रख लेते तो दिक्कतें हैं ऐसा नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैंने बताया था आपको एक केस बेरर चक था, क्रोस था नहीं। किसी ने ना भरा बाद में पता नहीं क्या सोचा चल यार कैश ही दे देंगे वो फाड़ के दो टुकड़े गली में फेंक दिए गली में फेंक दिए कोई जा रहा था उसे वो दोनों दो या चारों पीस मिल गए उसने जोड़ा तो वो पूरे पीस थे वो जुड़ गए और वो चक था बेरर क्रॉस भी नहीं था कि थाउंट में जाए कोई बंदा वो जोड़ के बैंक में क्लियरिंग में लगा के काउंटर पे कैश ले गया ओपन चेक था उसमें क्रोसिंग थी नहीं पैसे लेके गायब जब पैसे डेबिट हो गए जिन्होंने फाड़ा था वो परेशान भी चेक क्लियर कैसे हो गया चेक तो फाड़ दिया बैंक में गए गुस्से में बैंक गए आपकी साइन है ये देखो चेक उन्होंने बैंक पे केस डाल दिया कि बैंक यूं तो कहता है कटिंग ना करो चेक पे हम कैंसिल कर देंगे ये वो और यहां फटे हुए चेक की पेमेंट दे दी तो बैंक में बैंक ने कोर्ट में कहा जैसा देखो ये चेक इनका है इन्होंने साइन किया इन्होंने फेंका बता रहे हैं क्या भी तो गलत फेंका अगले ने जोड़ के पेमेंट कर ली चेक देखो सर कहीं से से भी पेस्ट किया हुआ हुआ या फटा हुआ लग नहीं रहा और जो थोड़े साइन वो पेस्टिंग है वैसे लग रहे हैं जैसे कई दिन पॉकेट में रहने के बाद थोड़े कट नहीं लग जाते एक नोट भी पॉकेट में काफी देर पड़ा रहे तो वो छोटे छुड़ छोटे कट लग जाते हैं ना उसमें वैसा लग रहा है कहीं नहीं लग रहा ये कोई जोड़ा है या कुछ तो कोर्ट में केस बैंक जीत गया और वो पेमेंट नुकसान किसका हो गया अकाउंट होल्डर का तो इसकी कभी गलती ना करो कभी चेक काटा आपने चेक काटा और अब आपने नहीं देना ना उसपे पहला काम कैंसिल लिखो काट के कैंसिल उस पर जरूर लिखो कैंसिल लिख दो कैंसिल जरूर लिखना आपने या और अच्छी तरह से बुरी तरह से काट के फिर फाड़ना है या चलो फाड़ना है फेंकना है तो अलग अलग गली में फेंक दो ना एक जगह ही फेंक रहे वो जुड़ देगा या इतने टुकड़े करो कि जुड़ ही ना पाए बढ़िया दो या फाड़ो बुरी तरह से फाड़ दो कोई दिक्कत नहीं बड़े पीस कर दो वो नहीं जुड़ेगा वरना ये आपके पार्ट पे नेगलीजेंस है आपको ध्यान रखना ये चेक क्योंकि तो चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है और सुनो चेक पे एक आधी बार लापरवाही होगी आपसे धोखा हो गया आप तो चेक वाले सिस्टम से विश्वास ही उठ जाएगा आपका अब तो कैश भी आ जाओगे और कैश इतने नोट कितने लाएगी सरकार कैश की तो लिमिट है ना करोड़ों की पेमेंटें हो जाएंगी कैश तो इसलिए चेक या बैंकिंग सिस्टम से फेक खत्म नहीं होना चाहिए किसी का वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी नोट प्रिंट करवाने पड़ जाएंगे इतने और पेमेंटें रिस्की हो जाएंगी ट्रक भर भर के ले जाने पड़ा करेंगे तो चेक सेफ सिस्टम है और इसको एक्शन है अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं और आपने चेक काट दिया हो एक्शन है तो चेक ध्यान से काटना चाहिए बिल पता लग गया एक प्रोमिस नोट होता है जिसने पैसा देना है वही लिखता है प्रॉमिसरी नोट होता किसकी तरह की तरह, बिल की तरह, ही? बिल की तरह लिखना यहां कमल खुद ही लिखेगा आई प्रोमिस टू पे रूपीज वन लेर टू मंथ ऐसे वर्डिंग वही है पर ये लिख कौन रहा है जिसने पैसे देने हैं वही इसलिए देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस क्योंकि लिख ही कौन रहा है जिसने पैसे देने वही लिख रहा है पर हमारी अकाउंटिंग की बात करें तो बिल हो चाहे प्रोमिसी नोट एक ही ट्रीटमेंट है हमें बिल आया या प्रोमिसी नोट आया हम बी आर लगाएंगे जिसने दिया वो क्या लगाएगा बीपी बाकी कल पढ़ूंगा मैं इसको और अच्छे से